कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको आपकी शो को हाल ही में आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड मिला था जी। बेस्ट क्या कहना चाहोगे इसके लेके? बहुत बहुत शुक्रिया, ऑलवेज ग्रेटफुल कि हमारे शो को अभी भी इतना प्यार मिल रहा है। और मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे शो को इस लेवल पर ले जाने में सबसे बड़ा हाथ प्रोड्यूसर और राइटर्स का है। बिकॉज हमारा प्रोड्यूसर सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है, वो बहुत क्रिएटिव आदमी भी है और वो खुद भी डायरेक्टर रह चुका है, राजन शाही। तो राजन इज़ अ वेरी पैशनेट प्रोड्यूसर एंड ही इज़ गॉट अ इनक्रेडिबल टीम ऑफ क्रिएटिव्स एंड द राइटर्स। तो उनकी टीम इतनी फैंटास्टिक है कि वो लोग अपने शो को कभी नीचे गिरने नहीं देते, और हम लोग जो एक्टर्स हैं हम लोग सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं और हम लोग वही एग्जीक्यूट करते हैं जो हमको दिया जाता है। तो हम उसको डेफिनेटली इन्हांस करने की कोशिश करते हैं परफॉर्मेंसेस से, बट आई थिंक द कोर ऑफ द होल थिंग इज द राइटर्स एंड द क्रिएटिव एंड द डायरेक्टर्स ऑब्वियसली। और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि हमारा शो अभी भी ऊपर चल रहा है। शो की TRP काफ़ी आई, जहाँ पर आप अनुपमा को बोलते हैं कि यही आदमी फंसने का थोड़ा होता है, जहाँ पर गौरव दूसरी लड़की के साथ रहता है और वो जो कह रहा जो मोमेंट है काफ़ी, मतलब काफ़ी बहुत सोशल मीडिया में पसंद किया, क्योंकि आप अनुपमा को बता रहे कि थोड़ा संभल जा। अब वनराज जो मेरा कैरेक्टर है वो कुछ ऐसी चीज़ें करता ही है जो ऑडियंस को हमेशा थोड़ा सा हिला देती हैं, थोड़ा शेकअप करती हैं। तो वनराज का कैरेक्टर ऐसा है जो कि डिफाइंड नहीं है, ऑथर बैक नहीं है, तो वनराज के साथ बहुत खेला जा सकता है और वो हमेशा ऐसी चीज़ें करता है जो अनप्रडिक्टेबल होती हैं और लोग जो होते हैं एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। तो आई एम ग्लैड कि लोगों को मज़ा आया वो देख के, और आगे भी आई एम होपिंग कि इसी तरह की चीज़ें हों जिसमें ऑडियंस देख के मज़े करें। ओके, जैसे कि आप लोग हमेशा से 12-13 hours काम करते, मंडे टू संडे मतलब बैक टू बैक काम ही करते, लेकिन कहीं ना कहीं जो हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान नहीं रखे जाते। हाल ही में हमने देखा शिवांगी जोशी को किडनी इन्फेक्शन हुआ था, आपने देखा होगा। कहीं ना कहीं मतलब शो के माध्यम से काम करना, मतलब थोड़ा हेल्थ के ऊपर मतलब क्या कहना चाहोगे इसको लेके, मतलब बैक टू बैक वर्क? ये बहुत ही पर्सनल चॉइस होती है मेरे हिसाब से कि आप अपनी हेल्थ को कितना सीरियसली लेते हैं। काम कितना भी हो, हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो चाहे आप 24/7 काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो भी आपकी हेल्थ पे असर हो सकता है। और अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो अगर आप 24/7 भी काम कर रहे हैं तो भी आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो वी ऑल नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस समवेयर इन एवरी विच वे एंड मेक श्योर कि हम लोग मेंटली फिट रहें, और अगर हम मेंटली फिट रहते तो हम लोग फिजिकली भी फिट रहते हैं।